हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HS ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल के बारे में। प्रस्तावना कौशल की फाइल कैसे बनाई जाती है आपको यहाँ पे अच्छी तरह से मिल जाएगी। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं, आपका जो भी नाम रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। आपको इसको ब्लैक बोर्ड पर करना रहता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पर लिखना जान लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है आपको यही पहले करवाता है, लिखने के लिए कहता है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के प्रकरण ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। इसमें कौशल के घटक जो होते हैं, प्रस्तावना कौशल के जो घटक होते हैं, प्रमुख घटकों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए और कथनों में जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव होना चाहिए, प्रश्नों में तारतम्यता होना चाहिए। जो भी घटक है आप इसको वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। इसी घटकों के अनुसार ही हम लेसन प्लान को तैयार करते हैं। पूर्व ज्ञान लिखते हैं, बच्चे जो है ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए कि बच्चे कुछ जानते हैं। उसके बाद पाठ प्रस्तावना कौशल के प्रश्न, इसमें हम क्रम संख्या लिखते हैं, छात्राध्यापक के प्रश्न और छात्र छात्रा के उत्तर लिखते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि सुबह में पूर्व दिशा से आकाश में क्या निकलता है, तो बच्चे बताएंगे सर सूर्य निकलता है, ये पूर्व ज्ञान से संबंधित हो गया। उसके बाद हम फिर सूर्य से क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे बताएंगे सर सूर्य से हमें ऊर्जा मिलता है, प्रकाश मिलता है। उसके बाद हम फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, अब ये बच्चे नहीं जानते हैं, वे मौन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा यही प्रकरण हो गया, हम ऊर्जा के बारे में उनको बताएंगे। कथन उद्देश्य उसके बाद लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब ऊर्जा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद निरीक्षण तालिका बनाते हैं, इसमें जो निरीक्षक होता है आपने कितने घटकों का प्रयोग किया है, बच्चों को पढ़ाते समय जितने घटकों का प्रयोग करें रहेंगे आप, यहाँ पे वो टिक का निशान लगाएगा, अगर नहीं किए रहेंगे तो क्रॉस कर देगा। उसके बाद सुझाव आलोचना, जो निरीक्षक होगा आपके शिक्षण में क्या कमियाँ रह गई हैं, क्या विशेषता है, उसके लिए अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल HS ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।